हेलो फूडीज, वेलकम टू आसिफा कोसर्स किचन। आज मैं आपको साबूदाना कटलेट्स बनाना दिखा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप साबूदाना, जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था और उसका मैंने पानी अच्छे से निकाल लिया है। ऑयल फॉर शैलो फ्राइंग। मैंने 2 पोटैटोज़ लिए हैं, जिसको मैंने बॉईल करके अच्छे से स्मैश करके रख लिया है। 1 इंच जिंजर, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया हुआ है। 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ती ली हुई है। मूंगफली को मैंने भून कर उसे थोड़ा सा क्रश कर लिया है। 1/2 लेमन जूस लिया है और नमक स्वाद अनुसार लिया है। आलू को मैंने पहले से ही स्मैश करके रखा हुआ था, अब मैं उसमें साबूदाना मिला रही हूँ। इसको भी हमें थोड़ा सा स्मैश करना है। मैंने साबूदाना भी थोड़ा सा मैश कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। मूंगफली डाल रही हूँ, अदरक, ज़ीरा पाउडर, चाहे तो आप ज़ीरा भी ले सकते हैं, हरी मिर्ची और धनिया पत्ती, सॉल्ट टू टेस्ट। अब इन सबको हमें मिलाना है। इसको मिलाने के बाद मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। फिर से एक बार इसको बस मिला लेना है अच्छे से। ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें थोड़ा सा ऑयल लेना है और अपनी हथेली पे थोड़ा सा इस तरह से लगाना है। थोड़ा सा इसमें से मिक्सचर लेकर अपने हाथों पर रखकर हमें इस तरह से उसको प्रेस करना है। ये देखिए, इसी तरह हम बाकी के भी करके रख लेंगे। मैंने सारे कटलेट्स बनाकर रख लिए हैं। इस मेज़रमेंट से आपको 14 कटलेट्स मिलेंगे। पैन में ऑयल डालना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें आहिस्ता से अपने कटलेट्स रखते जाएंगे। हमारे कटलेट्स वन साइड से हो गए हैं। इसको हम धीरे से पलट लेंगे। सारे कटलेट्स को मैंने पलट लिया है। अभी इसको दूसरी तरफ से भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई करना है। ये हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। मैंने सारे साबूदाना कटलेट्स को शैलो फ्राई कर लिए हैं और इसको मैंने डिश आउट भी कर लिया है। इसको चाहे तो आप टोमेटो केचप या फिर पुदीने की हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल आसिफा कोसर्स किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।